हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे अच्छे स्टोरीज जो हैं वो सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, इसे मैंने पिक किया है ट्रेंडिंग नॉवल्स की लिस्ट से और ये एक रीबर्थ वाली स्टोरी जो है वो होने वाली है, लेकिन जो रीबर्थ है वो हमारे हीरो की साइड से होएगा। ठीक है, तो और ज़्यादा डिटेल जानने के लिए तो आप लोग को पूरी वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। फिलहाल मैं आप लोग को इसकी डिटेल्स जो है ना वो प्रोवाइड कर देती हूँ और जो लिंक्स वगैरह होंगे वो मिल जाएंगे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके जो है आप लोग इस नॉवल को पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है रीबर्थ ऑफ स्वीट डेविल हस्बैंड। इसकी जो रेटिंग है वो 4.8। इसकी जो ऑथर है उनका नाम है रुचिका। इसके जो अभी तक चैप्टर्स आए हैं वो 17, लेकिन मैंने 16 तक ही पढ़े हैं अभी। और इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनका नाम है अथर्व और टिया, और इनका बेबी है जिनका नाम है शिवांश। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रूएल और हार्टलेस होने के लिए जो है वो जाना जाता था, लेकिन अपनों के दिए गए धोखे की वजह से वो जो है वो मौत के मुंह तक पहुंच जाते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी लाइफ में जो किया था, मतलब बहुत गलत किया था। वो क्या किया था, उन्होंने अपनी वाइफ और अपने बेटे को जो है खुद से दूर कर दिया था और उनकी मौत का कारण भी जो है वो खुद बने थे, और जिन पर उन्होंने ट्रस्ट किया था उसी की वजह से ये सारी चीज़ें हुई। और लेकिन अपनी मतलब डेथ के टाइम उन्होंने एक विश मांगी कि काश जो है वो इन चीज़ों को बदल पाते और उन्हें एक मौका जो है वो दिया जाता। तो फाइनली गॉड जो है वो इनकी बात सुन लेते हैं और इनका जो है रीबर्थ होता है और ये अपनी लाइफ में जो है वो कुछ साल पीछे चले जाते हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल चीज़ें होती हैं कि अगर उसी बंदे का दोबारा से ही मतलब रीबर्थ होता है, अगर वो वापस से अपनी ही लाइफ में चले जाते हैं तो फिर तो समझ में फिर भी आ जाता है ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, और ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, सॉरी, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये मुझे पसंद भी है क्योंकि मुझे समझ आ जाता है, वरना बॉडी किसी और की, सोल किसी और की, ये चीज़ तो मेरे समझ से बाहर होती है क्योंकि दो दो फिर कैसे ना मैनेज करें, तो बस वही वाला चीज़ है। बट चलो कोई बात नहीं, ये वाला सिंपल था, इजी है, तो ऐसा ही कुछ हुआ। और फिर अब उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा और कहानी पर। तो ये तो था इंट्रोडक्शन, अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कहानी किस तरीके की है। अब वो अपने कौन थे जिन पर उन्होंने अंधा भरोसा किया, वो थे उनके खुद के भाई, मतलब सगे भाई नहीं, सौतेले भाई और पिता और बाकी फैमिली। वो जानेंगे आप लोग खुद ही, मैं पूरा एक एक बंदे के बारे में तो नहीं बताऊंगी ना, मतलब एक एक इंसान के बारे में तो नहीं बताऊंगी कि भाई कौन था कौन नहीं था, आप लोग खुद पढ़ोगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा। लेकिन फर्स्ट चैप्टर जो है ना वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, मैं राइटर से रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार उसको वो पढ़ के और थोड़ा सा एडिट करें क्योंकि वो समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ था बेसिकली उनके साथ। तो वो चीज़ ठीक हो जाएगी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चीज़ें क्लियर हैं फिर भी। ठीक है, तो ये चीज़ थी क्योंकि रीबर्थ जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर ही अगर कन्फ्यूज़न होगी ना तो फिर कहानी में मज़ा नहीं आता, वो थोड़ा सा ब्रेक सा हो जाता है। लेकिन मैंने इतनी सारी कहानियाँ पढ़ी हैं इस वजह से मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं समझ गई कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन फिर भी ये कन्फ्यूज़न था कि भाई उनके साथ जो है वो कौन था जिसने उनके लिए ये साजिश जो है वो रची। ठीक है, और ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि हाँ उन्होंने क्या किया था और किस तरीके से जो है मतलब इनके दिमाग में ये चीज़ें डाली थी कि तुम्हारी वाइफ जो है वो तुम्हारे साथ ऐसा कर रही है। ठीक है, तो इन चीज़ों को तो अभी हम थोड़ा सा और साइड में रख देते हैं, बस ये कह लो अभी रीबर्थ हुआ है तो वो सारी चीज़ों को ठीक करेंगे, अपनी फैमिली के साथ जो है अपने रिलेशंस को सुधारेंगे, यानी अपनी वाइफ के साथ और अपने बेटे के साथ अच्छे से रहेंगे क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को जो है कभी भी प्यार नहीं दिया बल्कि हमेशा उसका तिरस्कार ही किया है। और सेम चीज़ उनकी वाइफ के साथ भी है, बस बट अब अचानक से जब कुछ चेंजेस होते हैं तो उनके लिए भी ये चीज़ एक्सेप्ट करना काफ़ी ज़्यादा टफ है। और दूसरी चीज़ इनकी वाइफ जो है वो ये सोचती है कहीं ये कोई सपना ना हो और अगर ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाद में बदल गई तो इसका जो है वो उनके बेटे पर क्या असर पड़ेगा। तो भाई ये तो कॉमन सी चीज़ होती है, कोई भी अगर अचानक से बदल जाए तो यार थोड़ा शक तो होता ही है। और दूसरी चीज़ की छोटे मासूम बच्चे पर उन सब चीज़ों को क्या इफ़ेक्ट होता है, ये तो चीज़ें बहुत अलग ही हो जाती हैं। तो इस चीज़ से बन जाती है ये स्टोरी थोड़ी सी इमोशनल। लेकिन जहाँ पर तड़का लगता है इनकी मतलब डेविल साइड का, वहाँ पर आ जाता है कहानी में ट्विस्ट। तो अब रिवेंज लेना है, लेकिन ये भी दिखाना है कि तुम मेरे दुश्मन जो है वो नहीं हो मेरी नज़रों में, लेकिन अब मुझे सब कुछ पता है क्योंकि हमारा जो है वो दोबारा जन्म हुआ है। तो पिछली याद तो सारी है ही है कि किसने क्या किया,
तो अब उसी हिसाब से जो है वो बदला लिया जाएगा, लेकिन अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करके रखा जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये कहानी जो है वो आगे चलने वाली है कि वो किस तरीके से जो है वो रिवेंज लेते हैं और साथ ही साथ अपनी वाइफ को जो है और अपने बेटे को अपने दुश्मनों से या फिर जो ये घर के अंदर घर का भेदी लंका ढाई वाले जो सीन है उनसे किस तरीके से वो जो है प्रोटेक्ट करके उन्हें रखेंगे। दूसरी चीज़, इनकी वाइफ जो है वो काफ़ी ये कह लो कि मासूम टाइप वाला सीन है। अब वो इनकी शादी किस तरीके से हुई थी ये जानने के लिए तो आप लोगों को खुद ही इस नॉवल को जो है वो पढ़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़, शादी तो अगर मान लो ज़बरदस्ती हो भी गई, लेकिन इनके बेटे वाला क्या सीन था, क्या उस चीज़ की वजह से जो है इनके बीच और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो क्रिएट हुई, और अगर क्रिएट हुई तो उनका क्या आउटकम निकल के आया, वो जानने के लिए भी आप लोग को खुद ही स्टोरी को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे स्टोरी काफ़ी अच्छी है, डिसेंट सी स्टोरी है, कुछ ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें मतलब मिस्टीरियस चीज़ें देखने को मिलेगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को मोस्टली इसमें ना फैमिली ड्रामा रिवेंज देखने को मिलेगा, लेकिन उन लोगों के साथ, और जो बिजनेस राइवल्स हैं वो वाली साइड आप लोगों को देखने को मिलेगी, रॉयल लाइफस्टाइल की कमी है। बाकी इसमें आप लोगों को और क्या देखने को मिलता है, हैशटैग फैमिली गोल्स, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी आप लोग को इसमें। बाकी इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा रोमांस और रिवेंज हो गया, हाँ यही चीज़ें हैं मोस्टली। और बाकी देखते हैं और आगे क्या क्या चीज़ें आती हैं सामने, वो भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। बाकी हाँ, इनके फ्रेंडशिप गोल्स जो कि पिछले जन्म में तो ख़राब हो गए थे, लेकिन अभी जो है चीज़ों को इन्हें ठीक करना है और लोगों के साथ वापस से जो है अपनी बॉन्ड जो पहले वाली थी उसे अच्छे से रखना है ना। तो उस तरीके की स्टोरी है ये। अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्या है और क्या नहीं है, इससे ज़्यादा तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताने वाली क्योंकि अभी इसके ज़्यादा चैप्टर्स भी नहीं है। फिर भी मैंने आप लोग के सामने कई सारी चीज़ें जो हैं वो खोल कर बता दी हैं कि ऐसा ऐसा इसमें है। तो बात करूँ कि मैं रेकमेंड किसको करूँगी, तो भाई देखो मैं सबको रेकमेंड कर रही हूँ। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा इमोशनल है लेकिन लेकिन कोई बात नहीं, आगे चल के तो वो चीज़ें जो हैं वो सही हो ही जानी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर कोई जाके पढ़ सकता है। नॉर्मल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और इमेजिनेशन तक रखना है कुछ पॉजिटिव हो तो डेफिनेटली जो है आप लोग एडमायर कर सकते हैं। बाकी हाँ, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यही है कि भाई पछतावा और पछतावे के बाद चीज़ों को सही करने का एक तुम्हारा जो मकसद है वो सामने दिख रहा है, बस और तो कुछ नहीं है इसमें। तो आई होप कि आप लोगों को जो है वो समझ आ गया होगा कि स्टोरी में क्या है, इससे ज़्यादा अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं है, बाकी देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो ये तो था छोटा सा ये कह लो कि रिव्यू मेरा इस स्टोरी को लेके, मेरा ओपिनियन। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए जो है वो हेल्पफुल रही होगी और आप लोग को पसंद भी आई होगी। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जो लिंक्स वगैरह होंगे वो मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक है फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेके हाजिर हो जाऊंगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।